अब बताओ कैसा आ रहा है व्यू? ओके आ रहा है यार। ओके कैसे आ रहा है यार? यार हिमाचल में ही आएंगे सही व्यू, फरीदाबाद में तो यही दिखेगा बस। अच्छा दोस्तों, दिल्ली में वेदर हो गया बहुत ज़्यादा तगड़ा और मेरा बहुत ज़्यादा चुल मची रहा है, कोई बढ़िया सी कॉफ़ी मिल जाए। तो अभी हम सर्च करेंगे बेस्ट कॉफ़ी इन साउथ दिल्ली, क्योंकि हमारे घर के पास वही पड़ता है। देखो इसका होने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होता है, जब मन चाहे खोल लो, जब मन चाहे। बट क्या मस्त वेदर हो रहा है यार, तो ये वैसे अंधड़ तूफान वाला वेदर नहीं है। मैं थोड़ा धीरे धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि आसपास लोग हैं। ये अंधड़ तूफान वाला वेदर नहीं है। इस वेदर की जो एक शोभा तो ख़राब कर रहा है वो सिर्फ एक चीज़ है, ये कपड़े का स्टैंड, इसे मैं कर रही हूँ साइड। इंग्लिश वाले ब्लॉग पे मैं चेक कर रहा था, वो आया था सजेशन में, ये श्रेया ओवर एक्टिंग की अलग दुकान इंस्टीट्यूट है अपने। क्या मुझे आदत है, ज्यादा वो मत करो मुझे पूरे मार दो। जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होता है ना उसे बहुत कुछ सहने की आदत हो जाती है। तो ये जो यूट्यूब पे कमेंट करते हैं ना छोटे छोटे 16-17 साल के बच्चे, इनको पता होना चाहिए हम 10 साल से हासिल कर रहे हैं बॉस की गालियां सुन सुन के। और ऐसी मोटी चमड़ी हो गई है ना ये सारे कॉर्पोरेट वालों की। ओ मुंबई में? हाँ इतना मुंबई में खूब गाली खाती थी रोज रोज, ऐसे गालियों ऐसे लगता था कि जैसे बॉस से थप्पड़ खा के पटा लज्जित होकर के वापिस आती थी और बेशरम हो गई थी। तो जो कॉपी किसी को इतनी डांट पड़ जाए ना भाई, उसका मूड पूरे 10-10 दिन के लिए खराब हो जाए। सिर्फ 5 मिनट में चल ठीक है कोई नहीं, ये तो लगा ही रहता। वो तो बताओ मैंने अपनी नौकरी खा ली थी जो बाद में बताएंगे। चल श्रेया ने मुझे, मैं वो था, ये वो ये एकलव्य नहीं, ये एकलव्य था, मैं कौन द्रोणाचार्य थी। हाँ द्रोणाचार्य। हाँ आपने मेरे को, श्रेया ने मुझे वी लुकअप सिखाया था, वी लुकअप एक्सेल एक्सेल एंड इफ यू गाइस डोंट नो व्हाट इज वी लुकअप यू कैन ऑलवेज लुक फॉर हो गया था। एकलव्य ने अपना अंगूठा दिया था, इधर एकलव्य ने द्रोणाचार्य से ही अपना अंगूठा मांग लिया और मेरी जॉब छीन ली थी। वही मैंने जॉब नहीं ज्यादा जा जाकर बॉस के साथ ही हंसी मजाक करता था, थोड़ा दो बार हंसा दिया था। काम ढंग से नहीं करोगे तो क्या होगा, यही होगा। चुप रहे समझा, पता है मैं क्या क्या हैंडल करता हूँ। श्रेया यू नो गौरव, अच्छा और जब मैंने छोड़ दिया था उसके एक महीने के बाद, श्रेया एक बात बता ना, ये वाला जो आपने फाइल है ये किधर सेव करिए जरा बताना मुझे ना। तो हैंडओवर देखने जाओगे ढंग से तो क्या होगा, यही होगा। मैंने दिया था तुझे हैंडओवर समझा, वेदर सही हो रहा है ना। हाँ वही तो मैं बोलूँ, चल चलते हैं अभी एकदम ऑरेंज टिंट और शैलो शैलो। अभी रहे हैं निकल, अभी रहे हैं निकल। सबसे अच्छी चीज क्या होती है, देखो कोई पर्स वर्स कुछ आजकल लेने का मन ही नहीं करता है। यहाँ रखो वहाँ रखो, तो आपको लगता है कि ये है ना, क्योंकि ये चलता है ना साथ में। मेरा पेटीएम भी चलता होगा ज्यादा, अपना वो मत दिखाओ पेटीएम, पता कितना फोन निकलता, बैटरी खत्म हो जाती है पेटीएम देते टाइम। एंड में यही चाहिए, ये साथ में चलता है। तो मैंने कौन सा बोला इक्वली, बिना पर्स वर्स कैसे, बिना पर्स के बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ क्योंकि सुबह से पता होता है ना कि खर्चा नहीं होने वाला खुद का। यार श्रेया हम लोग ना बिना बात के आजकल देखा कलर कोऑर्डिनेटेड हो जाते हैं। और दोस्तों ये देखो श्रेया के आजकल नए चोचले शुरू हुई अपने घर से ना, ये सिपर जब से आए लेक निकलती है यार, इससे पानी ज्यादा पिया जाता है पता है। हाँ जैसे बहुत जैसे वसंत कुछ की आंटी नहीं होती, आई हैव माय ओन वॉच, आई नॉट बाय इट फ्रॉम आउटसाइड। नहीं नहीं ये वाले शॉर्ट्स कोई जरूरत नहीं है, चलो सीधा जबरदस्ती का मटक मटक के चलने का जरूरत है। जीरा को जैसे पता चला व्लॉग के लिए शूट हो रहा है पीछे से, मुझे आईडिया भी नहीं था, ये मेरी नॉर्मल चाल है। मैं बताऊं आपको, जिन लोग आप लोग जज करते हो ना दिल्ली के, जो गाड़ी में पंजाबी गाने चलाते हैं तेज तेज और वो हल्ला करते हैं, मोमोज की दुकान के बाहर जाके खड़े होकर के मोमोज खाते हैं, सैंडविच खाते हैं, मैं वही हूँ। मुझे बहुत मजा आता है गाड़ी में पंजाबी गाने चला करके हुआ हल्ला करने करने में, रैन दशरा को मजा आता है वो वाला सुनने में। कौन सा सौरभ पंजाबी, तो गाड़ी निकालो कट मारते मजा आ जाए। दोस्तों आज बड़े दिनों बाद जीप की सनरूफ खुलेगी, मैं मच्छर ना खुचा इधर लगता है मुझे, खींचो ना थोड़ा आराम से भैया। आज बेसिकली सनरूफ खोलने का पूरा मन है, सन तो नहीं पर ऊपर का वेदर जरूर एंजॉय करेंगे कब से नहीं। गाड़ी गाड़ी चलाऊं, श्रेया को पीछे बिठा दिया और निकल रही है लो फोन। दोस्तों सोचा था आज बाहर जाएंगे व्यूज देखेंगे, बढ़िया बढ़िया माहौल बना पड़ा है, वेदर अच्छा, सामने देखो व्यू कितना बढ़िया आ रहा है हमारा, अरे वाह क्या व्यू है, मजा आ गया। अभी मैं सोच रहा हूँ खोलो इसे, खोल दू नहीं आगे जाए खोलता, रुक जाओ यार। एक व्लॉग ना दोस्तों वो वाला बनाना है जिसमें जीप के फीचर्स वगैरह बताएंगे पूरा। गौरव हाँ
अगर मैं, हम गाने तो नहीं बजा सकते, लेकिन अगर मैं गाना गाऊं पीछे तो चलेगा ना, कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं आएगा यार? वो ट्यून मैच हो जाएगी ना तो आ सकता है, मतलब पक्का नहीं है उसका, वो आ भी जाता है कभी तो, मतलब ये इससे पता चल जाए मैं कितनी अच्छी सिंगर हूँ। तो एक काम कर, तू ही गा ले। मेरे गाने पे नहीं आएगा? नहीं, तू भी खोल ले। क्या सनर वही खोल रहे, राइट लेग उठा के गड्डी के दो दो सौ दी चलो। खाली तार ही तार, खाली तार ही तार दी। खुल गया ये, बट इसको तो खोल, ये इतना ही खुलेगा, इसको ये इतना ही खुलेगा। हाँ तो श्रेया पूरा खुलेगा तो गिर नहीं जाएंगे बच्चे। चल ठीक है, बंद कर ले। क्या बंद करूँ, ये बंद करो, ये हवा वाला। हवा वाला बंद कर। आप बताओ कैसा आ रहा है व्यू? ओके आ रहा है यार। ओके कैसे आ रहा है यार? यार हिमाचल में ही आएंगे तो सही व्यू, फरीदाबाद में तो यही दिखेगा बस। अच्छा हाँ। श्रेया का बर्थडे आ रहा है और हम लोग का प्लान है अभी फर्स्ट रोड ट्रिप शहर में करने वाले, जीप में, वेरी सून ट्रक। दोस्तों आपको वो तो नहीं सुना सकते हम कि कौन सा गाना सुन रहे हैं, पर वो जरूर कर सकते हैं। कौन सा गाना लगाएंगे यार, गाड़ी चल रही थी ज्यादा अच्छा लगता है, पर ऐसे सुना दो। हे सिरी प्ले इनसेन बाय एपी डिलन ऑन स्पॉटिफाई। हे सिरी ओ सुन ले माए। हे सिरी, हे सिरी। अच्छा आपने फोन से व्लॉग बना रहे ना, सिरी कहाँ चलेगी? सिरे फोन में तो सिरी होती है। अच्छा ऐसा होता है क्या? क्या यार हमारे चूतिया कटा यार। तो ऐसे बोल देता हूँ, मैं आपको अपनी प्लेलिस्ट बता देता हूँ। हे सिरी प्ले इनसेन बाय एबी डिलन ऑन स्पॉटिफाई। पर अभी नहीं होगा प्ले क्योंकि फोन से व्लॉग बन रहा है ना। दोस्तों घर से सोच के निकले थे कि कॉफी पियेंगे, मन भी था कॉफी पीने का जब घर से निकले थे, पता नहीं अचानक से एक साइड के एक रेस्टोरेंट पड़ा और मेरे को एक बटर चिकन की खुशबू सी आ गई, तो अब इच्छा हो रहा बटर चिकन खा लिया जाए। प्लीज चल लो यार। और श्रेया को एक ढेले का, एक ढेले का एक रुपए का पसंद नहीं, और मेरा मन कर रहा है पंडार रोड जाकर के गुलाटी से जरा एक आज पहले बटर चिकन साथ में मिर्च का मिर्ची पराठा होता है। अरे यार वो भी तो ना एक्सरसाइज करिए, कल इतना रनिंग कर रहे हैं, अभी मत करिए। तो कल फिर कर लूंगा ना यार। तू खाने के लिए एक्सरसाइज करता है क्या? मतलब ज्यादा नहीं खाऊंगा, बस एक पराठा खाऊंगा। हाँ इंडिया गेट तो जा ही रहे हैं, पर अपने पास 8 बज रहे हैं तो एक घंटा ही है, डेढ़ घंटा 20-25 मिनट में इंडिया गेट। हमदर्द नगर से मूलचंद मेट्रो F404। कभी गए दोस्तों आप इस बस में? इस तरह की छोटी बस, बहुत धक्के खाए हैं समझा। तो मैं गौरव को बोल रही थी, गौरव बोल रहे हैं क्या आप गए हो ऐसी खटारा सी बस में कभी? मैंने कहा हमने बहुत धक्के खाए हैं, भागलपुर से हम उड़ीसा एक बार जा रहे थे एक 407 में, मैं मम्मी और दीदी और सारे भिखारी। मतलब आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट बेगर्स, मतलब सब अपने वो डेगची डोले डमचे लेके सब भिखारी को भी, बस खाली हम तीन थे। अच्छा एक बार तो मेट्रो में भाई इतने सुसु पॉटी हमेशा क्यों रहना चाहिए? मैं सर बता रहा हूँ श्रेया, मेट्रो में ना कई बार बच्चे सुसु कर देते हैं और वो सुसु पूरी जैसे मेट्रो चलती है ना, सुसु आगे आगे धार बना के सुसु अपना रास्ता बना लेता है। तो लोग अपना एक्सपेक्ट गौरव कपूर व्लॉग विदाउट एनी जिक्र ऑफ सुसु। और नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मेट्रो में तो अक्सर होता है, मेट्रो में ना बच्चे सुसु कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं लोग देख रहे हैं वो भी हमें, तो फिर अपना रास्ता अपने आप बनाते हैं, सुसु अपना रास्ता बनाता है और जगह खाली होती रहती है, बंद कर दो। तो फाइनली ना कॉफी पी रहे हैं ना बटर चिकन खा रहे हैं, बीच में हम पॉट बेली करके जगह है एक शाहपुर जाट में, वहाँ गए थे कि मटन चाम खाएंगे, फिर वहाँ से भी निकल गए सोचे कि नहीं भाई बहुत ओवर हीटिंग हो जाएगा। तो फाइनली हम आए हैं इधर जीके में है क्वालिटी एशियन करके है, जीके अलकनंदा के बीच में रास्ते पड़ता है, बहुत सी सुशी होती है यहाँ पे, सुशी या फिर वही अपना थोड़ा पैन एशियन टाइप वहाँ है। पूरा मोमोज खाओ ना एक चॉपस्टिक से। अरे सॉरी सुशी, इनमें डुबकी लगा के उंगली से स्टिल रख, एक बस मूव कर, इसे मूव कर, एक ये नीचे वाला स्टिल रख। बेटर टूट गया यार। दोस्तों खाना खाने के तो आ गए, पर ये देखिए टायर में हवा हल्की कम और अब शक हो रहा है कि ये पंचर है कि नहीं है। वैसे तो देखो ट्यूबलेस है, आई एम अज्यूमिंग पहुंच जाना चाहिए, ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से, और कल चेक कराएंगे पंचर है कि हवा निकली हुई है पता नहीं। जस्ट टू लेट यू नो टच वुड, बट मेरे बलिनो का कभी पंचर नहीं हुआ। जरा पंचर क्या मतलब, साल होने वाले हैं। ओके सो गाइस इफ यू लाइक द व्लॉग डू सब्सक्राइब टू द चैनल, दैट वाज द एंड ऑफ द व्लॉग। बड़े दिनों से नहीं बोला था तो मैंने कहा बोल दूं, बिकॉज आर नेक्स्ट टारगेट इज 3 लाख।
पता नहीं कितना टाइम लगेगा, होने को महीने में भी हो सकता है, होने को 4 महीने में भी, होने को 4 में तो हो जाना चाहिए अगर सब सही चला तो।